नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल हिटशॉट फिल्म में। आज के इस पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में। ये सॉफ्टवेयर अगर आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर में यूज करते हो तो आपके पास जो हार्ड डिस्क है जिसमें प्रॉब्लम है, जो पेन ड्राइव है जिसमें कुछ एरर आ रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, या फिर कोई मेमोरी कार्ड है जो आपका शो नहीं हो रहा है, या फिर आपको वो फॉर्मेट नहीं हो रहा है, पार्टीशन आप हार्ड डिस्क में बना नहीं पा रहे हो, डेटा रिकवरी नहीं हो रहा है, या फिर आपको आपका पेन ड्राइव है या फिर आपका हार्ड डिस्क है फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है, तो ये एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये मुझे जब पता चला इस सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जो मेरे पास बंद पड़े हुए पेन ड्राइव थे, जो हार्ड डिस्क थी, उनको मैंने रिपेयर कराया। बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मेरे पास जो पेन ड्राइव पड़े थे, जो भी मेमोरी कार्ड पड़े थे या फिर हार्ड डिस्क पड़े थे, उनको मैंने रिपेयर कर दिया। काफ़ी हद तक मैंने रिपेयर कर, ऐसा नहीं है कि 100% ये रिपेयर करेगा, लेकिन 99% तो बनता है। क्योंकि मैंने काफ़ी और सॉफ्टवेयर थे उसमें भी मैंने अपना वो जो रिपेयर किए वो पेन ड्राइव मैंने वहाँ पर भी फॉर्मेट करके देखे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब ये सॉफ्टवेयर मुझे मिला, इससे मुझे फ़ायदा 100% हुआ और वो मेरे पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, सब वो जो जो हो सकते थे वो रिपेयर हो गए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये रहा वो सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम है डिस्क जीनियस, ठीक है। डिस्क जीनियस नाम का ये सॉफ्टवेयर है। अभी देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मेरा हार्ड ड्राइव है, ये यहाँ पर दिखा रहा है, ऊपर की तरफ ये हार्ड ड्राइव दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो पार्टीशंस भी दिखा रहा है। तो अभी आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे पार्टीशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप जो भी इसके साथ करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे अभी ये सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, ठीक है। और मेरे पीसी में मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो सी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर अब यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे फॉर्मेट करंट पार्टीशन, उसके बाद मॉडिफाई पार्टीशन पैरामीटर्स, उसके बाद रिसाइज, यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हो आप, स्प्लिट भी कर सकते हो, रिकवर लॉस्ट फाइल्स, क्लोन पार्टीशन टू इमेज फाइल, रिस्टोर पार्टीशन फ्रॉम इमेज फाइल, क्लोन पार्टीशन, इरेज फ्री स्पेस, असाइन द न्यू लेट, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आपका हार्ड ड्राइव, उसके बाद पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड को बहुत ही अच्छी तरह से रिपेयर कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए, बैकअप पार्टीशन है, पार्टीशन को डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, न्यू पार्टीशन बना सकते हैं, फाइल का रिकवरी भी कर सकते हो, आप पार्टीशन का रिकवरी भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बारे में यहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलता है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हर एक हार्ड ड्राइव का आपको अलग अलग मतलब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कितना बाइट्स है, फ्री स्पेस कितना है, टोटल क्लस्टर्स कितने हैं, फ्री क्लस्टर्स कितने हैं, ऐसी जानकारी इसी सॉफ्टवेयर में आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, ऑप्शन जो है आपको हार्ड डिस्क के साथ जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप 100% कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल है, पार्टीशन के लिए है, उसके बाद फॉर्मेट के लिए है, डिलीट पार्टीशन डिलीट करने के लिए है, डिस्क क्लोनिंग के लिए है, पार्टीशन क्लोनिंग के लिए है, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है।
मैं चाहूँगा कि आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। देखो अभी यहाँ पर ये वेबसाइट है diskgenius.com, तो यहाँ पर जाके आप ये सॉफ्टवेयर को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फ्री डाउनलोड आप यहाँ से कर सकते हो और इसे आप यूज़ कर सकते हो आपका हार्ड ड्राइव को रिपेयर करने के लिए। और देखो हार्ड ड्राइव तो इतना नहीं, मतलब पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड काफ़ी होते हैं जहाँ पर हमें हार्ड डिस्क को हमें इन्हें फॉर्मेट या फिर इनका शो नहीं कर रहा है आपका हार्ड डिस्क में, सॉरी कंप्यूटर में या लैपटॉप में वो पेन ड्राइव शो नहीं कर रहा है। मेमोरी कार्ड कुछ एरर बता रहा है, दिखा तो रहा है लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है। देखिए बहुत सारे पेन ड्राइव ऐसे भी होते हैं जो हमें माई कंप्यूटर में दिखाते नहीं हैं लेकिन हमें वो मैनेज में दिखाते हैं। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे मैनेज पर जाए। मैनेज पर जाने के बाद आप स्टोरेज पर जाए, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाए, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ड्राइव ये शो करेंगे, ठीक है CEF। और अगर पेन ड्राइव वगैरह रहेगा तो इसके नीचे आपको वो दिखाई देगा, ठीक है। देखो यहाँ से आपको एक तो श्रिंक का ऑप्शन मिलता है, डिलीट का पार्टीशन डिलीट का मिलता है, फॉर्मेट का मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ से काम नहीं बन रहा है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पे एक बार आप ट्राई करके देखें तो मैं कहूँगा कि आपको पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिवली आपका काम बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप माई कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करके किसी भी ड्राइव पे अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो वो फॉर्मेट नहीं होता है, अनेबल टू फॉर्मेट कहता है, अनेबल टू मतलब फॉर्मेटिंग एरर बता रहा है। तो आप डिस्क जीनियस जो सॉफ्टवेयर है इसका यूज़ आप ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, क्योंकि मैंने भी इसे यूज़ किया है तभी मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो प्लीज़ क्वेश्चन वहाँ पे आप ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आपको आंसर करने की। अगर आपको कोई दिक्कतें हैं पेन ड्राइव फॉर्मेटिंग या मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क फॉर्मेटिंग के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे जो नए वीडियोस हैं वो आपको ईमेल के थ्रू मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए हिट शॉट फिल्म्स। थैंक यू।